सामाजिक न्याय और अनुसूचित जाति विभाग मंत्री लखन घनघोरिया ने शनिवार को जबलपुर में अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में अधिकारियों से विभाग में चल रहे कामकाज की जानकारी ली। सभी अधिकारियों से उनके द्वारा किए जा रहे काम की रिपोर्ट की समीक्षा की, जिले की यातायात व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और बिजली की उपलब्धता की समीक्षा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा अपने गृह नगर छिंदवाड़ा को विकसित करने के लिए छिंदवाड़ा मॉडल लागू किया गया। इसी तर्ज पर जबलपुर को भी विकसित करने के लिए एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। मंत्री लखन घनघोरिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से साफ कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी की सप्लाई की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए और किसी भी क्षेत्र में समस्या आने पर उसे तुरंत दूर किया जाए, इससे आम जनता को परेशानी न हो। मंत्री लखन घनघोरिया ने इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जबलपुर के साथ ही पूरे प्रदेश के जिलों में विकास के लिए छिंदवाड़ा मॉडल लागू किया जाएगा। जो शहर की जनमानस की समस्याओं से संबंधित थी और शहर के विकास से संबंधित थी, उनकी ये आवश्यक बैठक सुझाव के साथ हम लोगों ने रखी थी कि शहर में विशेष करके यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था और मौलिक सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जल संकट से लेकर जल प्लावन से लेकर सारी वो चीजें जो आम जनमानस से जुड़ी हों, चाहे वो खाद्य विभाग से संबंधित हों, चाहे वो MPV से संबंधित हों, इन तमाम बातों पे आज चर्चा सारे अधिकारियों से की और आने वाले समय की कार्य योजना पे विस्तृत चर्चा की। और कोशिश हम लोगों की ये है कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका की अवधारणा मध्य प्रदेश को बिल्कुल छिंदवाड़ा मॉडल की तर्ज पे देश में एक अच्छे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की है, विकास उसी तर्ज पे हो।